कई भी तारा करो संगठन बन ब्रह्मचारी, करो संगठन बन ब्रह्मचारी और उन समान नहीं कोई हितकारी और उसके मौत भय रविदासा और विनय गुण मुन प्रेम प्रकाशा। उस अंग्रेज ने गाड़ी खड़ी करी और मंदिर के अंदर गया
बाबा जी ने इसीलिए हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य पहले लिखवा के रखवा दिया कि मेरे यहाँ कोई आए, देशी विदेशी कोई आए, यहाँ की जानकारी मिलने में कोई असुविधा न हो। वो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन जैसे खोलकर फर्स्ट पेज को पढ़ा, जैसे पढ़ा फर्स्ट पेज पर साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, उसके आश्चर्य की दूसरी सीमा टूट गई। सोच रहा मन में कि आज तक जितने हिंदुस्तान या विश्व में जितने ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक आए, सबने शरीर के विज्ञान की बात कही है, ये कैसा विलक्षण अनोखा महापुरुष साइंस ऑफ सोल, सोल को गॉड से मिलाने वाला, से यही बैठा है, खुदा का दीदार कराने वाला आला फकीर यही बैठा है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला समरस सदगुरु यही बैठा है। ये पढ़कर उस अंग्रेज के असर की सीमा टूट गई। वो जब अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो जिक्र करने लगा कि मैं मथुरा से वापिस लौट रहा था, मैंने जयपुर देव सफेद मंदिर देखा, मेरे आश्रम की सीमा टूट गई, किस नाम का मंदिर तो विश्व का ही। जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा तो मेरी अंदर भी दूसरी आश्रम सीमा टूट गई कि उसने साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, ये तो किसी ने आज तक बताया नहीं, शरीर के विज्ञान की बात यानी विज्ञानी वैज्ञानिकों ने जरूर की है, ये कैसा विलक्षण अनोखा महापुरुष जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा है। अपने गुरु साईं बाबा से अंग्रेज पूछ रहा, आपने कभी नहीं बताया ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा को ने क्या। साईं बाबा चुप बैठे कुछ नहीं बोले, वो बार बार अपनी भाषा में संबोधन में ओ माई गॉड कहके बार बार पूछ रहा। साईं बाबा चुपचाप बैठे सोच रहे हैं ये अंग्रेज है, हिंदी में बताऊंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, चलो इसकी बड़ी इच्छा है तो समृद्ध विलक्षण महापुरुष के बारे में चलो थोड़ी सी जानकारी दे, थोड़ा सा इशारा साई बाबा ने किया है, क्या कहा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा देवगुरुदेव, कहा मैं बाबा देवगुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। साई बाबा क्या कह रहे हैं, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा देवगुरुदेव, आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट क्लियर, मेरे बोलने की काम करने की एक सीमा है, मैं सीमा के बाहर न कुछ बता सकता न कुछ कह सकता, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ऑल माइटी ऑल पावरफुल इन नॉट लिमिटेशन, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, असीम पुरुष है, उनकी कोई सीमा नहीं। प्रेमियों ये है पहचानने वाली जिनकी जीवात्मा की तीसरी अंग, संत महात्मा आत्मा का विषय है, शरीर इंद्रियों मन का विषय नहीं। देखो ये पहचानने वाले इन्होंने पहचान ली है, इसीलिए संत महापुरुषों ने इशारे में कहा कि संत आए हैं दया बरसानी, मगर इन्हें कोई कोई जाने, संत आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने, स्वामी आए दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने, स्वामी आए दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने, जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे धर्म की हानि, पार है असुर अधम अभिमानी, पार है असुर अधम अभिमानी, आज लेकर मनुज रूप आने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने, आज लेकर मनुज रूप आने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने, सतगुरु आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने, सतगुरु आए
मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए दया वर्षाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए मगर इन्हें कोई कोई जाने। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। ये स्मृत मारी की पहली पहचान। इस मृत रोग मंडल पर आज तक किसी ने लाउड स्पीकर लगा के नाम दान की शुरुआत नहीं की। अब तो बहुत से लोग नकल करेंगे, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। ये है सम्यक मालिक की पहचान, जिसने लाउड स्पीकर लगाकर सारी सृष्टि को मानव योनि में परिवर्तन करने की ताकत रखता है। वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। तुम्हारी अभी समझ में नहीं आया कि नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। उन्होंने नाम दान को लुटाया, कोई रुपया पैसा नहीं लिया। जिसने नाम दान को लुटाया दिया, एक रुपया पैसा नहीं लिया। जो केवल बाबा जी वाले नाम दान को सुना रहा, दोहरा रहा, सारी संगत लूटे ले रहा। तुम्हारी ये भी समझ में नहीं आया, जिसने नाम दान दिया उसने कुछ नहीं दिया। जो केवल सुना रहा वो सारा सारी संगति लूटे ले रहा। और आपकी समझ में भी कुछ नहीं आया कि नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। और नीचे घर जाने की राह बताई, नीचे घर जाने की राह बताई। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको लिवाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया वर्षाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया वर्षाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जय गुरुदेव, जय प्रभु का। सब लोग खड़े हो जाओ। आप लोग सब लोग खड़े हो जाओ। जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाए। पहले आप इशारे को समझ लीजिए। अब हमें आपको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नैतिक निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अबे बैठने का समय नहीं है। इशारा समझ लीजिए आप। जय गुरुदेव, जय प्रभु का। प्रभु का।
दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जा रहा सज्जन आज सतगुरु दयाल की दया से निर्विघ्न समाप्त कोई भी बाधा नहीं बिना सतगुरु की कृपा दे तुम सतगुरु कह लो आला फकीर कह लो गुरु कह लो मुर्शिद कह लो शिष्य कह लो मुरीद कह लो खुदा कह लो भगवान कह रहे की बात केवल भाषा का झगड़ा आपने खड़ा किया और उसी झगड़े में तुम्हें आपस में झगड़ रहे हो। मजह धर्म टूटे हुए तीनों को जोड़ता है, तुम्हारा मजह धर्म मार का हिंसा सिखाता, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा धर्म है। मोहम्मद साहब ने हदीस पुस्तक लिखी थी, उन्होंने उस पर साफ यानी अपने जवान मुबारक उसमें फरमाया है, हर हम मंथित बनते एरहम कुमर रहमान ऐ परवरदिगार आलम हम सब पर मेहरबान हो, तुम खुदा से अपने लिए मेहरबानी मांगते हो और खुदा के बनाए जीवों पर तुमने कितनी मेहरबानी की, तेरा कितना रहम किया। अरे मुसलमान कोई कौम जाति नहीं, मुसलमान ईमान रहमान जिसमें पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान, मुंह असल जो अपनी मुंह की असल बात को मानो मुसलमान, फकीरों के मुंह के निकले बच्चों को यानी असल मान वो है मुसलमान। तुम कौमियत के झगड़े में फंस गए और आप लड़ने लगे मारकार हिंसा में फंस गए हो, इन गुनाहों में अब गुनाहों की सजा कुदरत सुनाने जा रही है, क्या तुम्हारे पास उससे बचने का कोई उपाय? अरे कोई उपाय जिसने इंसान को बनाया उसी खुदा परमात्मा ने बकरे को बनाया, मछली को बनाया, मुर्गे को बनाया, अंडे को बनाया, ये किसी दूसरे खुदा ने नहीं बनाया, उसी का जिसने तुमको बनाया उसने उसको बनाया। तो खुदा परमात्मा के नाते हम सब लोग भाई भाई भाई, जब बनाने वाला एक ही पिता है तो हम सब भाई भाई भाई, और सब जिस शरीरों में खुदा की रूह और परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी, अंदर से भी हम भाई भाई और बाहर से भाई, लेकिन भाईचारा न समझ पाने के कारण भाई खत्म कसाई बन गया, मारकाट हिंसा करने लगे, उसी की सजा अब कुदरत सुनाने जा रही है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए वो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान को अगर जिस्मानी मस्जिद में बैठाना चाहता है, बुलाना चाहता तो इसको पाक साफ रख। अरे गंदगी में तुम भी नहीं बैठती, जो ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद जिसमें खुदा की रूह बैठी परमात्मा की चेतन की बात को उसी में जिस्मानी मस्जिद को कितना गंदा कर रहे हो, कितनी गंदगी डाल रहे हो, जो खुदा ने अपनी रूह के लिए ये मकान बनाया और खुदा की रूह के मकान को जब गंदा करोगे काटोगे मारोगे तो खुदा तुमको सजा देगा की मदद करेगा। तुम सजा पाने का काम कर रहे हो कि बचने का काम, इतना तो ध्यान आपको हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कहा है, ऐ मुसलमान ईमान रहमान पालो ये पाक साहब जिसमें एक खुदा की मदद के लिए मिला, अगर एक कचरा मांस के डालोगे खुदा से विदा हो जाओगे, एक बूंद अगर शराब पी डाल दी तो बड़े अच्छे काम दी। क्या मुसलमान हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के इन अल्फाज बच्चों को जो जवान मुबारक मुबारक उन्होंने फरमाया क्या कोई अख्तियार स्वीकार कर रहा है, सब हो गए, सब भूल गए, एकदम प्रेरित हो गए, गुजरे तो सदा सुना ले जाए, फकीरों के कलाम संतों के पैगाम हमेशा तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन आज उस बात को समझ पाओ तो तू जय गुरुदेव।
रक्षा करते रहेंगे और सर मौका मिलता रहेगा आप सबके दर्शन करता रहूंगा गुरु के बोल वचन परिवर्तन की वेला पर किए गए संकल्प बातों को तुम्हारे कान तक पहुंचाता रहूंगा। ये पंडियों के कलाम है जो समय से रूहों को नजात देने के लिए दो जन नरकों से बचाने के लिए ये हमेशा खुदा का खुदाई पैगाम फकीरों के जरिए संत महात्मों के जरिए आता जाता और आप भी आए हो अब न सुनो न मानो तो तुम जानो तुम्हारे काम क्या है लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो पहले की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए हम आपको कहने नहीं देंगे आप मौजूद हो आपकी मौजूदगी में खुदा का खुदाई पैगाम जो संपूर्ण इंसान और रूहों के लिए जो आया हुआ है आपके सामने बयान किया आप नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारे अर्जी हमारी मर्जी आपकी मानो न मानो खुशी आपकी हम मुसाफिर है कल अपने घर अभी वक्त है गुनाहों से तुम तौबा कर ले फिर न कहना हमने सुना था पैगाम हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं मैं केवल एक इंसानी शक्ल मानता हूँ खुदा परमात्मा ने एक इंसानी शक्ल बनाई और उस इंसानी शक्ल को चाहे हिंदू कह लो मुसलमान कह लो सिख ईसाई कह लो छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा पर कह लो ये तुम्हारी मानसिकता परमात्मा खुदा के कोई भेदभाव नहीं इसलिए खुदाई पैगाम जो ईश्वरी संदेश मृत्यु मंडल पर आया है उसको फकीरों ने महात्माओं ने अपनी बड़ी भाषा में सबके कान तक शुरू से पहुंचा दिया ताकि समय खराब समय आने पर कोई ये न कहे कि मुझे जानकारी नहीं थी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव प्रभु अब आप सबको आदेश सब लोग जा सकते हो अब आदेश आपको जा सकते लेकिन ये दृश्य अनोखा है एक ही आदेश इसको देखिए और इस तरह का दरबार कहीं नहीं मिलेगा जहां सब तरह से दिया जा रहा और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जा क्या ऐसा कहीं दरबार है हिंदुस्तान में कहीं चली जाएगा चाहे पत्थर का देवता हो चाहे जिंदा कोई बैठा सब लेने वाले देने वाले आज ये अनोखा दरबार तुम्हारे सबके लिए मैंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात नहीं देखी न मेरे मस्तिष्क में जात पात का सबके ही सबके लाभ के लिए मैंने एक निमंत्रण आपके घर भेजा और आप नहीं आए हो तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम यहाँ कोई पैसा यहाँ कोई स्वार्थ लालच नहीं होता प्योर परमार्थ का कार्य है सबका लाभ हो सबका कल्याण हो सबको सुख शांति मिले सबकी बीमारी महामारी कष्ट मुसीबत आपत्तियों में सबको लाभ मिल जाए ये तो काम यहाँ किया जा रहा और फिर भी अगर आप ऐसे यानी दरबार को नहीं समझ पाए और इस दरबार से समय वक्त का लाभ नहीं ले पाए तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली को आपने अपनी किस्मत पर पत्थर गिरा दिया जो इतनी चीज आपकी समझ में नहीं आए ये तो काम कहीं नहीं मिलेगा कहीं चल सब जगह लूटपति देवी के नाम पर देवता के नाम पर मंदिर के नाम पर मस्जिद के नाम पर गिरजाघर के नाम गुरुद्वारे के नाम गंगा जमुना गीता रमन बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब सब के नाम पर रूट और उसी बीच में एक ऐसा अनोखा दरबार आपके बीच में लगाया गया जहां आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा और सब तरह का लाभ दिया जा रहा शारीरिक और आत्मिक दोनों लाभ दोनों जिस्म का भी और रूहानियत का दोनों तरफ का लाभ आपको मिल रहा अब आप इस लाभ को न ले पाओ तो इसमें हमारी क्या इसलिए समझा दो जय गुरुदेव जय गुरुदेव
आपके दर्शन के लिए मैंने जिमर किया, क्योंकि आप एक इच्छा लेके आए हो। देखो मेरी ऐसी कोई इच्छा, आज ये अनोखा काम निरंतर था, कोई फकीर कोई महात्मा गांव में निरंतर खाने भीख मांगने जाता है, देने कभी न गया होगा और न कोई जाएगा, ये काम कोई नहीं। मैं महात्मा फकीर की सच्ची परिभाषा बताने आया, फकीर कोई दाढ़ी कोई सफेद कपड़ा कोई जात पात मजहब रंग का नाम फकीर नहीं, एकदम फकीर ही, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न ईर्ष्या न राग द्वेष, यानी एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र को फकीर कहते, महात्मा कहते। महात्मा कह रहे हो, फकीर कह रहे हो एक ही बात, इसलिए तो नहीं गए। गुरु कह रहे हो, मुर्शिद कह रहे हो एक ही बात, बाद में पता चला। अरे अल्लाह को खुदा कहो, परमात्मा ईश्वर को एक ही बात, मुरीद कहो भक्त को एक ही बात, तुम इस झगड़े में कैसे फंस गए, तुम्हें अपने मतलब की चीज लेनी चाहिए। जब तुम बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी जाति पूछते हो, उसका मजे धर्म पूछते हो, उसकी पढ़ाई लिखाई पूछते हो, उसकी गरीबी अमीरी पूछते हो, केवल अपनी मर्ज का इलाज ले ली तो घर चले जाए। ऐसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोड़ करो तलवार का बड़ी रहे दो ज्ञान, साधु महात्मा फकीर की कोई जात नहीं, वो जात पात के बंधन से अलग, तभी तुमको जाति बंधन मजहब धर्म काल के सारे बंधनों से तुम्हें मुक्त कराएगा। जो खुद बंधनों में बंधा वो तुम्हें बंधन मुक्त कैसे कराएगा, ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए मैं अब आपके दर्शन के नीचे, आज आपने देखा इन कन्याओं को, इन कन्याओं की चिंता किसी को, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, किसी नेता महात्मा बकीर को, किसी को चिंता नहीं, जबकि ये बेटी क्रिश्चियनी सच की केंद्र, इन्हीं से आगे सच चलेगी, यही बेटी आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव पैदा संत महात्मा फकीर पैदा होंगे, जिससे धर्म की स्थापना हो जाएगी मानवता सारी, और सूर भी पैदा होंगे सच्चे निर्धार त्यागी तपस्वी, तो देव समाज का उद्धार हो जाएगा, जीवात्मा का उद्धार और देश का सुधार, ये सब हो जाएगा। इसलिए इन कन्याओं को वरख दी, इनके सती तुझे चरित्र की रक्षा के लिए, ये चिंता किसी को हिंदुस्तान में किसी को इनकी चिंता नहीं है, क्योंकि इन सबको महात्मा फकीरों को अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की चिंता है, जमीन जायदाद घेरने की खान पान यानी इसी की चिंता है, और नेता को अपनी कुर्सी की चिंता है पद की चिंता है, लेकिन इन बेटियों की चिंता किसी को, इतनी बड़ी बात है। ये नींव है समाज की, जब नींव खराब हो जाएगी, इस नींव पर कोई अच्छी सच्ची मजबूत इमारत नहीं खड़ी हो सकती, आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, आगे समय आएगा आप जानने की इच्छा करोगे, भूख प्यास संत फकीरों के वचनों की सुनने की आप में उठेगी, तो सब खोल के बता दूंगा, सब खोल करके रखूंगा, लेकिन अभी नहीं, जितना इशारा जितना आदेश हुकुम हमें हो रहा मैं उतना ही आपके सामने, इधर उधर की बातें हमें नहीं होती, कुछ कोई निंदा आलोचना बुराई किसी न किसी धर्म मजहब की न किसी जाति की, यानी ना मतलब यानी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे किसी की कोई आलोचना बुराई करती, आ सच्चाई का इतना जाए, जड़ और चेतन के बारे में तो जानकारी दी जा रही है, नहीं दी जाएगी तुम जड़ में फंसे हो, फंसे रह जाओगे, और चेतन रूह चेतन है, जीवात्मा चेतन, परमात्मा खुदा चेतन, उसका देश चेतन, उसका नाम भी चेतन, या तो चेतन की जानकारी दी जा रही कि चेतन नाम को पकड़ो और चेतन देश अपने रूह जीवात्मा को खुदा परमात्मा के पास पहुंचा दो, ये तो सबके लिए है।
आवाज लगी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जमीन थी वो कितने बड़े भाग्यशाली, उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी जमीन पर इतना बड़ा जन सैलाब आ जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे और इस तरह का शुद्ध विशुद्ध ये धार्मिक संदेश सबके कल्याण सबके और सबको लाभ देने वाला ये दरबार मेरी जमीन पर लगाया जाएगा, ये कोई नहीं जानता और ग्रामवासी भी ये नहीं जानते थे कि मेरे यहाँ कोई निमंत्रण भेजेगा। मेरी चिंता किसी को है कि नहीं है, मेरे यहाँ रोटी है कि नहीं है, मेरी व्यवस्था है कि नहीं है, इसको ये जानते थे किसी को चिंता नहीं। लेकिन आज एविन को ज्ञान करा दिया गया कि संत महात्मा फकीरों को सबकी चिंता है, वो सबकी चिंता के लिए निकले हैं और तुम्हारी शक्ति चिंताओं का समाधान करने के लिए, और ये भेदभाव जातियों का, मजे धर्मों का, ऊंच नीच का, गरीब अमीर का, ये सारे भेदभाव को जब खत्म कर दिया जाएगा तो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत और सेवा दया और रहम ये सब में जाग जाएगा। लेकिन इसके बारे कुछ नहीं, मैं आप सबके दर्शन के लिए नीचे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे हो चलते चलाते जरा मेनू देख लो, तो मैं सेवा के लिए तैयार हूं, मैं तो कोई संत महात्मा फकीर बनता नहीं, ये मेरा काम अन्य बनाने का काम नहीं, हम कोई मिट्टी मूर्त कागज के अंदर थोड़ी जो मन के बढ़ जाए, ये काम नहीं, ना मैं ऐसा कोई ब्राह्मण प्रचार करता हूँ और ना प्रचार करने का आदेश देता हूँ। अब ये है प्रेमियों को कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा, कुछ एहसास हो रहा, कुछ लाभ मिल रहा, कुछ देह मिल रही, कुछ शांति मिल रही, क्या इसको आप बंद कर दो? ये तो आस्था है, जैसे लोग पत्थर में भगवान को देखे, देवी देवता कैलेंडर में देखे, आरती पूजा करते पैर छूते, क्या ये आस्था मिटा देगी? ये तो आस्था है, आस्था को न तो जबरदस्ती लागू किया जा रहा और जिस पर आस्था बन गई आप उसे मिटा दीजिए, ये दोनों चीजें अब जाती रही भावना जैसी गुर मूर्त देखी दिन तैसी, जो जिस भावना से आया रे रखा पिया गुरु उसको उसी शकल में दिखाई देता, गुरु कहने को अब तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं किस रूप में कौन सा काम होगा, किस रूप में क्या आवाज लगाई जाएगी, किस रूप से समाज का काम, देश का काम और किस रूप से जीवात्मा का उद्धार, अभी आपको तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतिहास जानकारी दे रहा भगवान राम लंका नहीं गए, अपने सेवक को भेजा, एक पाती दूत उनका संदेशवाहक हनुमान को भेजा, लेकिन हनुमान ने कभी नहीं सोचा कि अपने दुश्मन के घर आपको भेज रहे, दुश्मन मार डालेगा कि रखेगा, लेकिन नहीं, अपने आराध्य इष्ट गुरु के आदेश में कोई सोचा विचार नहीं, अनुचित उचित विचार करके पारित हुए, जहां अनुचित उचित का कोई विचार ही नहीं होता, गुरु के आदेश गुरु के वचनों में कभी हानि नहीं होती, साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्मा फकीरों से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती, बशर्ते उनके इशारों को आप समझ लो, तो आपका सम्मान हो जाएगा। इसलिए जब लंका में हनुमान गया तो उसने तीन रूप बना लिए, एक छोटा सा सेवक राम का, राम एक काल शक्ति, काल शक्ति का छोटा सा सेवक, क्योंकि भगवान राम ने कहा लंका ब्राह्मणों की नगरी है, अब ये राक्षस नगरी होगी, राक्षस को यहां पर उसे आंख से नहीं होता, खान पान से, गंदा खान पान, गंदे कर्म, गंदी सोच ही राक्षस की तरफ इशारा करता, उसे राक्षस कोटी में माना जाता, तो कहा लंका अब राक्षस नगरी हो गई,
जन्म को भूल गए, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई। जाओ हनुमान, लंका नगरी में मेरा साकार का संदेश और धर्म का मानवता संत का संदेश दिया। हनुमान चले गए। जब लंका में पहुंचे तो उसने तीन रूप बनाए, सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, छोटा सा रूप होना सीता जी को परिचय दे दिया कि मैं आ गया, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही ले जाऊंगा। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काज संवारे। अपने गुरु राम के काम को करने के लिए उसे सेवक ने तीन रूप बना दिया। काल का दूत तो तैयार क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं करा सकता, और किससे क्या कराएगा तुम्हें क्या मालूम। कहा था बच्चा, किसी के सर पे देवता, किसी के सर पर भूत बैठा कर, अरे हम तो तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन तुम भजन करते रहना। आपने वो भी काम नहीं किया, तो काम तो किसी मनुष्य पर से, कोई जानवर पक्षी के शरीर से थोड़ी काम हो, मनुष्य पोल से काम। अब कौन सा पोल, कहते सब घर भीतर साइया सूरी से रखो, वह घर धन सराय हो, जा घर प्रगट हो, काय सारे शरीरों में मेरी जीवात्मा, लेकिन वो घर शरीर धन है जिससे मेरा संदेह मेरी जानकारी लियो के कान तक पहुंचाई जाती है। का वो घट मेरा ही घट, वो घट खास खुदा का है, जहां से परिचय जानकारी दी जाती। अब आपकी समझ में भी कुछ नहीं आया, इसमें मैं तो कुछ बोलता नहीं, न स्वामी जी बोलता, न गुरु जी, न संत महात्मा कोई फकीर बोलता, ये अन्य बनाने का काम यह नहीं होता। यहां सीधा संदेश है, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने बोला श्री बने बनाने की क्या बात है। अरे तो लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है, तो कुछ भी कह सकते हैं। जिसको लाभ मिल रहा है वो तो कुछ भी कर देगा, वो तो उसकी श्रद्धा उसकी आस्था है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव, शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव, जन में प्रेम को लाएंगे, जय गुरुदेव, कबीर जी का कहना शाकाहारी रहना है, खाने से हुए खरा अंधा मछली मांस, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। कबीर जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जिसने दिया कितना बड़ा भाग्यशाली, कितना पुण्य का कार्य, सबके हितों का काम, सबके लाभ। ये जमीन भी तय हो गई, और इसी जमीन पर तीन दिन सुबह शाम एक एक घंटा खुदा की सच्ची इबादत रूप से, परमात्मा का सच्चा भजन आत्मा से प्रेमियों ने किया। ये जमीन जा गई है, लोग आते जाते रहेंगे, अपनी मनोकामना पूरी करते, लेकिन जब आप साकार हो, ये परेज है साकारी। गोस्वामी, ये गंदा, ये गंदगी
ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद है, जिसमें खुदा की रूह बैठी और परमात्मा की चेतन जीवात्मा। अगर उसमें गंदगी फैलाओगे खुदा सख्त सजा, कोई माफी नहीं होगी। इस पर आपको विचार गहराई से करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहूंगा इस जमीन को बिल्कुल पाक साफ करके छोड़ना। चार छह लोग एक एक प्लास्टिक की बोरी ले लो और दोना पत्थर कहीं गंदगी पड़े उसको फौरन उठाओ, एक जगह रख के जला दो। भंडारियों से आपने कोई गड्ढा भट्टी खोदी हो तो उसको बराबर कर दो, पानी भर के लिए तो एकदम ऐसी इच्छा आप छोड़ के जाओ, ये लोग हमेशा के लिए याद करेंगे कि ऐसे लोग तो कभी कहीं है नहीं, कभी आए भी नहीं, जिनको कुछ चाहिए नहीं, सब देने आए, सब तरह से सेवा करने आए, ऐसा तो कलयुग में कोई है नहीं। इतनी बड़ी चीज आपके सामने है और हमने बहुत बढ़िया की बात करें, इन लोगों ने महाप्रसाद न लिया हो तो भंडारे का ले लीजिए, ये लाभ फिर आगे आपको कोई दे नहीं पाएगा। भोजन से कोई लाभ नहीं, भोजन भजन दोनों से लाभ है, ऐसा नहीं है। और ये झंडे की परिक्रमा करना मत भूलिए, आज भी अभी और कल तक इस झंडे में पूरा प्रभाव है। असल मुसलमान भाई कोई सोचते हो कि हमको कैसे लाभ मिलेगा, तो आप जब झंडे की परिक्रमा करो कहो जय गुरुदेव नाम खुदा का, जय गुरुदेव नाम खुदा का। अरे भाई नाम कोई भाषा का थोड़ी होता, नाम तो जगाया हुआ होता। संत महात्मा फकीर जिस नाम को जगा लेते उसी से सब इंसानों का काम करा देते। आपको अपने काम से मतलब सब के लिए परिक्रमा करना मत भूलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबके दर्शन के लिए मैं अभी नीचे बैठ जाऊंगा, मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं, क्योंकि ना मैं आपसे कोई रुपए पैसे की भीख लेने आया, ना कोई सामान लेने आया। आपको तो आध्यात्मिक लाभ सब तरह का शरीर और आपकी दोनों लाभ आपको मिल गए। लाभ देने के लिए आया वो किसी से मांगता है। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया, नाम धन दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगाओ और परमात्मा से मिला। जिसकी जीवात्मा जग जाएगी उसके कर्मों में हिंदुस्तान के लोग अपने राजपाल धन दौलत को ऐसे ही निछावर करते हैं। ये भिखारी का मतलब सहसा बादशाह का मत, ये संत फकीरों का ये मत बादशाह का। यहाँ एक भी न ली जाती, न किसी को भिखारी बनाया जाता। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ये बराबर समझ लिया और 25-30 जवान जल्दी से इस मंच को सिमटा दी, क्योंकि आपने कोई सेवा नहीं की और ये सबसे बड़ी सेवा, ये संस्कृति आपका मंच है। तुम्हारा कोई हाथ लग जाएगा सेवा और ये दूसरी जगह अगले कार्यक्रम में लग जाएगा, आप ना भी वहां पहुंचोगे लेकिन आपकी सेवा उधर पहुंच जाएगी तो उसका लाभ घर बैठे मिल जाएगा। तो 25-30 नौजवान जल्दी से इस मंच को सिमटा दीजिए और लूट करा दीजिए, क्योंकि इनको जल्दी से सुबह निकलना होगा। कल की दूरी लगभग 100 किलोमीटर, वहां भी जल्दी से लगाना और कड़ी शोभा यात्रा, क्योंकि समय से पहुंचना बहुत जरूरी। इसलिए सब जल्दी से आप समेट दीजिए, ऐसा जैसे चिड़िया आई और चुप करके चली गई। लोग आश्चर्यचकित करेंगे इतना भारी ये जलसा बना, ये तो महीनों लग जाता और ये जरा से 2 घंटे में सुट गया, ये सब क्या है? तो इनको पता चलेगा ये है गुरुभक्त, गुरु के अनुशासन आदेश में रहने वाली, आदेश अनुशासन को हमेशा आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे कर देते हैं। तो आपको देखने को सभी मिला, आप देख भी रहे 3 दिनों से, तुम्हारी सब तरह की सेवा कर
कोई पहचान नहीं, कोई जात पात पूछते नहीं आपसे कि जाति के हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे पर कुछ नहीं पूछते। इनका लक्ष्य है सेवा, इनका लक्ष्य है प्रेम प्यार मोहब्बत से सबकी सेवा करना। इनको सेवा खिदमत का पाठ पढ़ाया गया, इनको रहम दया सिखाई गई है, तो अनुशासन में इसको भी आप देख रहे हो। ये देख देख कर ही तुमको साफ समझ आ जाएगी। और ये आज आप खड़े हो, आप तो नहीं किसी को देख, लेकिन तुम्हारा ये सीधा प्रसारण इंटरनेट से पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे लोग रोके रात्रि में खड़े एक आवाज पर खड़े हो जाते, चुपचाप शांत ढंग से संदेश को सुनते हैं। ऐसा तो अनुशासन या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, उसके भी है उसकी बात नहीं। इसको आप पहले समझिए तो तुम्हारी इज्जत समझ में आते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे कार्यक्रम सबका था, पूरे जिले का कार्यक्रम, और सब लोगों को सोचना चाहिए। ये सारे हिंदुस्तान में संदेश चल रहा, सब जगह आप नहीं पहुंच पाते, आज आपके घर में हो रहा, अरे जिले में हो रहा, समझो घर में हो रहा। अगर घर में भी अपनी कोई सेवा इस कार्यक्रम में आप नहीं दे पाए, नहीं लगा पाए, तो फिर तुमको आगे कोई मौका ही नहीं। इतने लोग खड़े हो, इसमें तमाम लोग शरीर से चले जाएंगे, इनको सत्संग नहीं मिल पाएगा, आगे सेवा का अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए सेवा से चूकिए मत, कुछ न कुछ अपनी गाड़ी कमाई का ऐसे परमार्थी कर में आपको जरूर खर्च करना चाहिए, और समय का लाभ घर बैठे आपको लेना चाहिए। फिर भी नहीं ले पाए तो तुम्हारे जैसे दुर्भाग्यशाली को ये पहले समझ लीजिए। इसलिए आप कार्यालय बना दिया गया, उसमें अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश जरूर डालो, ताकि इस कार्य में तुम्हारा सहयोग हो जाए, और इन लोगों ने जो ये सेवा का काम किया है, इनकी किसी सेवा का तुम्हारे पर कर्जा न चले। दो लाभ है, कर्जा से बच जाओ, और ये जो संदेश हो रहा है इसमें आपका सहयोग हो जाएगा। इतने लोग खड़े हो, अरे 50-50 रुपए कार्यालय में डाल दो, ये तुम पान मेरी तंबाकू में थूक के फेंक देते, थूक देते हो इतना 50 रुपए कई परमार्थ बन जाता, और 50 रुपए में कई पाप कर्मों में माफी हो जाती। कितना सरल तरीका, हमको नहीं चाहिए वो कार्यालय बना हुआ, वहां एक रजिस्टर रखा है, देखे दस्तखत कर दिया, मैंने क्या रखा, ये धन तुम्हारे लिए नहीं, ये सत्य सदगुरु के वचनों के प्रचार के लिए। ये बेचारे जा नहीं पाते तो अपनी सेवा दे रहे, और मैंने कहा पहले तो इस कार्यक्रम में खर्च कर दे, अगर बच जाए तो अपने बाल बच्चों में खर्च मत करना, ये भारी नुकसान हो जाएगा। कोई संगत का सामान खरीदो ताकि आप किराए भाड़े से फुर्सत मिल जाएगी, जब कभी कार्यक्रम करो अपना सामान लगा दो, किराए भाड़े से फुर्सत मिल जाएगी। ये सब बात आपको समझनी चाहिए, यहाँ एवं सेवा नहीं ली जाती। यहाँ जो इन लोगों ने तुम्हारे लिए सेवा ये लगा दिया, सीलिंग चलो छाया में बैठ जाओ, मंच लगा दिया, साउंड लगा दिया, कि सबको कान में स्पष्ट आवाज सुनने को मिल जाए, रात भर आपकी रोशनी के लिए ये जनरेटर चलता, तेल का खर्चा होता, ये भंडारे आपको 4-5 दिन से भोजन खिला रहे, क्या कोई पैसा मांग रहे हैं आपसे? ऐसा पैसा नहीं मांगा जा रहा, लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या, ये सब तुम्हारी सेवा कर रहे, और तुम कब सेवा करोगे, तुम्हें कब तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव बदलेगा। इसलिए ऐसा लेने देने की कोई बात, जब मैं 1 रुपया नहीं देता तो किसी से, अब ये प्रेमी मानते नहीं, इनकी श्रद्धा कैसे छुड़ाई जाए, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया जल्दी 50 रुपया ले लो, और इसी समय के
सत्य वचन के प्रचार में लगा दिया, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसमें तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम आपको हो जाएगा, हो रहा, बाकी हमको आपसे कुछ नहीं हम करेंगे। मैं तो कल भी बताया ना, मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या पैसे करूंगा, और मेरा कोई खर्चा नहीं। ये कपड़े आप ही देते तो पहन लेता, एक रोटी 24 घंटे में खाता आप ही देते, वो भी आपकी गाड़ी भी आपकी दी हुई, ये भी आप दे रहे तेल के इसमें डाल दो, तो जब आप ही का है और आपके काम में लगा दो। मेरा तो कोई काम स्वार्थ और लालच का ही नहीं, बिल्कुल ये काम मैं करता ही, पहले भी किसी से सेवा नहीं ली गई और आप भी नहीं किसी से, ये कामयाब नहीं होता। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब आप लोग जल्दी से जाने की तैयारी करो, क्योंकि कल की यात्रा लगभग 17 घंटे, वहां समय से हमेशा फिर से यही यहाँ नगर जैसा ये बसा हुआ बसा, हर जगह 4-5 घंटे में नगर बस जाता। पहले इसको समझिए, देखिए आप लोग देखते हैं कहते हैं महीनों लग गया होता, अब देख लीजिए 7-8 घंटे में से बना दिया, अब 1 घंटे में फाड़ फुकार के और लाद करके और सुबह रवाना हो जाएंगे और वहां 5-6 घंटे में वहां तैयार करते। ये सब देख के लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, कहते आदमी है कि भूत प्रेत, हमने ऐसे भूत काम करते, इन पर भूत चढ़ा गुरु भक्ति का, ये भूत नहीं है, इन पर भूत गुरु भक्ति का चढ़ाया गया, ये गुरु भक्ति का भूत इन पर है। तो ये ब्रह्म उसी में दौड़ रहे, भाग दौड़ रहे, और धीरे धीरे इनसे सब करवा लिया जाएगा, इनसे तपस्या भी करवाई जा रही। अभी देखा लोहरदगा में कितनी भारी बारिश में तुमको खड़ा किया गया, क्योंकि तुम आदेश का पालन नहीं करते हो। मैंने कहा 4 मीटर मुंजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का रखो, हमेशा काम आएगा। तो तुम समझते ऐसे ही कहते तो ऐसी स्थिति बना दी गई और सबको होश आ गया कि नहीं नहीं हम जरूर रखेंगे, तो भाई ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी अगर आप आदेश का पालन कर लो। इसलिए समूची भारत की संगत को यह आदेश दिया जा रहा, जहां कहीं आप सत्संग सुनने करने जाओ तो अपने झोले में 1 थाली लोटा गिलास रखो, अपना शुद्ध पात्र रखो, ये प्लास्टिक वाला जो बर्तन प्रयोग करते हो तमाम बीमारियों को जन्म देता, कैंसर जैसी जान घातक बीमारी इसी से पैदा होती। इसलिए अपना थाली लोटा गिलास रखो, अपना शुद्ध पात्र, क्योंकि भोजन का भजन पर असर पड़ता है। और 4 मीटर मोमजामा ओढ़े, 4 मीटर बिछाने का, जहां कहीं जाओ अपना बिछा के बैठ गए, धूप तोड़ ले लिया, पानी बरसता भी ओढ़ लिया, ये सब स्वयं स्वावलंबी बनो, अपना काम खेत करो, किसी की सेवा मत लो, सेवा लोगे तुम्हारे भजन से कटौती हो जाएगी। और अपनी अपनी एक खुरपी प्लास्टिक की थैली में एक खुरपी रख लो, जब यहाँ जीती ना हो तो दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोद दो, जहां की व्यवस्था बनी हो शौचालय की वहां एक गड्ढा खोद दीजिए, अपना रोज दिशा मैदान जाओ और बाथरूम वगैरह सब उसी घटे, और रोज का रोज पैर से मिट्टी किसका दिया, जब यहां से चलोगे गड्ढा भी अपने आप बंद हो जाएगा, कोई बदबू नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी तरह का प्रदूषण नहीं, ये स्वच्छता का सच्चा अभियान है जिसको हिंदुस्तान याद करेगा। ये अभियान बिना पैसे कोई खर्चा नहीं, जो अभियान सरकार की तरफ चला जा रहा वो सब लूट मार का, उसमें कितना धन लूटा बांटा जा रहा और कोई सोचता, अरे जब तक मानव का खान पान ठीक नहीं होगा, विचार शुद्ध साफ नहीं होंगे, तो प्रदूषण सबसे बड़ा तो खान पान, अब वो शराब पीता नाली पड़ा, नंगा पड़ा गंदगी पड़ा,
तुम्हारा स्वच्छता अभियान क्या करेगा? जब तक मानव का खान पान विचार ठीक नहीं हो गए, ये स्वच्छता का अभियान तुम्हारा फिर केवल दीवारों पर लिखा कागज, बाकी किसी के अंदर तो स्वच्छता का अभियान कैसे? जब खान पान स्वच्छ साफ नहीं गंदा है तो फिर स्वच्छता का अभियान कहाँ लागू करोगे? तो इंसान में तो लागू नहीं कैसे, दीवारों पर लागू कर रहे, कागजों में लिख कर भेज रहे, जगह जगह साइन बोर्ड लगा रहे। अरे इंसान के दिल में स्वच्छता का अभियान पहुंचा दीजिए, इसका खान पान स्वच्छ पाक साफ हो जाए, जैसा करो हार वैसे बने विचार, तो विचार शुद्ध हो जाएंगे तो गंदगी अपने आप निकलेगी। अगर विचार शुद्ध नहीं तो तुम्हारा ये स्वच्छता का अभियान सब यानी मतलब बेकार हो जाएगा और कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये देखिए कितना सरल, एक पैसा खर्च नहीं, एक खुद भी ले लो अपना गड्ढा खोद और वहां दिशा मैदान गए अपना बाथरूम गया तो और रोज का रोज पैसे मिट्टी खिसका दे, धीरे धीरे वो खचा जितनी चलोगे अपने आप बंद हो जाए। तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल आप समझ लो महात्माओं की शिक्षा ये समाज देश के कल्याण की, वहां स्वार्थ लोग लालच कोई आमदनी के लिए नहीं होती और इनकी शिक्षा सब आमदनी सारा कितने लूट बची इसमें पैसा और कहीं कुछ नहीं, कोई गंदगी खत्म नहीं हो पाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहा हूं क्योंकि अब जाने आज विदाई करती है, इसलिए मैं अभी आपसे मिले लेता हूँ। जब आप चार घंटे बैठ कर आपने संदेश सुना अभी एक घंटे में मिले लेता हूँ, कोई ज्यादा लेट तो नहीं है, अच्छा है। कम लोग, कम लोगों में शोर शराबा नहीं होता, कम परिवार सुखी आता है, इसीलिए कम लोग आते तो शांति रहती और हमको ज्यादा की जरूरत भी नहीं। ज्यादा वो लोग इकट्ठा जिसको सेवा बटोरनी होती, सेवा मांगनी लेनी होती, ज्यादा आ जाएंगे ज्यादा सेवा मिल जाए। या तो ऐसा कोई अभियान है नहीं, या तो आप जबरदस्ती करके देते हो तो मैं इसी प्रचार प्रसार में लगा दूंगा। जय गुरुदेव के दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। निकाल दिया।